ए, चेक करो। अब जाओ, तू जा रहे? हाँ सर। हाय। नाम क्या है? चांदनी। 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 चांदनी, क्या बात है चांदनी, तेरी आंखें सुंदर है, क्या बात है चांदनी, तेरा नाम चांदनी। सर, यहाँ एक आदमी गन टेबल पर रखकर बाथरूम में गया है। देखो मेरी बात सुनो। एड्रेस बता दीजिए सर। गंदे जल्दी। क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या तू? विजयकांत, गोली मत चलाना। गोली मत चलाना। बुलेट्स कहाँ हैं? गलत कर रहा है तू। ये नहीं है। मेरी बात सुन। दे, मेरी बात सुन। गलत कर रहा है तू। कहीं मेरे पास भी नहीं है। विजयकांत, मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। अरे बुलेट्स देना जल्दी। क्या कर रहा है? गलत कर रहा है। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरेस्ट हिम। सर एक मिनट। बुलेट्स हैं क्या? किस लिए? इसे मारने के लिए। कोई जरूरत नहीं, हम अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट करके क्या करेंगे? कोर्ट में ले जाएंगे और ये फिर से छूट जाएगा। हाँ, हे बुलेट्स दे। हे, मत देना। क्या रे, तू इसे मारकर बहुत बड़ा हीरो बनना चाहता है क्या? तो फिर आप ही मारिए और हीरो बन जाइए। छोड़ूंगा नहीं तुझे। पागल हो गया क्या? सर बातें मत कीजिए, मार डालिए साले को। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अरे सिम, तुझे देख लूंगा। ए, चल 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 चल, तू तो गया। सीधा चल, सीधा चल, रुक जाएगा। किसने बताया इसको? हम यहाँ, ये इन्फॉर्मेशन इसे कैसे मिली? अब इन्हीं की कमी थी। सलन निकल गया हाथ से वो। अब तक पुलिस की आंखों में धूल झोंककर बच निकलने वाली अंडरवर्ल्ड डॉन तलवार को आखिरकार विजयकांत ने गिरफ्तार कर लिया। तलवार अरेस्टेड। लोगों में गुस्सा है। एन वक्त पर गोलियां खत्म हो गई, इसीलिए उसे अरेस्ट करना पड़ा। एक और बाकी है, खालिद। जिस दिन वो कमीना मेरे हाथ लगा, उतार दूंगा सारी गोलियां उसके अंदर। खालिद, तलवार से संबंधित मामले में सरकार ने अब तक अपना रुख साफ नहीं किया है। सर, आपके लिए फोन है। साले तेरे बहुत पार निकल गए। ए विजयकांत, मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ तू मेरी सारी बातें सुनता है। टीवी में क्या हीरोगिरी दिखा रहा है? मुझे तलवार समझता है क्या? खालिद हूँ मैं। और तू एक मामूली पुलिस वाला। तू मेरा क्या उखाड़ेगा? मार दूंगा साले, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू मुझे जानता नहीं। अगर मैं चाहूँ ना तो पुलिस वालों से ही अपना धंधा करवा सकता हूँ। एक फोन से तुझे खत्म करवा सकता हूँ, समझा? तो अब तक छुप कर क्यों बैठा था तू? क्या
जो करने का है वो करने के बजाय फालतू में गीदड़ भपकिया क्यों दे रहा है? ए, 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 रुक, रुक, तेरी फालतू बकवास सुनी ना मैंने, अब मैं बोलूंगा तू सुन। तू किसको सुना रहा है बे? हा? तेरा फोन उठाने के लिए जब तेरे आदमी ही नहीं बचेंगे तो तू क्या उखाड़ लेगा मेरा? आ? तेरे 200 चूहों को ढूंढ कर निकालूंगा, चुन चुन के मारूंगा, तुझे जड़ से मिटा कर रख दूंगा। इसकी तुम्हें ए, तुझे तो सिर्फ मुझ अकेले को मारना है, दम है तो मार के दिखा। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। तेरे फैमिली मेंबर्स मिलाकर कुछ 150 लोग हैं। तेरे भाई बहन जायज नाजायज बीवी बच्चे सब यहीं पर रहते हैं, ये शायद भूल गया है तू। तेरे सारे फैमिली मेंबर्स के डोर नंबर्स, फोन नंबर्स, सब कुछ पता है मुझे। अगर इस विजय कांत की खोपड़ी खसक गई ना तो सबको लिटा दूंगा। ए, तेरे यहाँ कितने काले धंधे है बताऊं क्या? तेरे ड्रग्स का कारोबार, यहाँ देवेंद्र और मुंबई में शकील मेंटेन करता है। जाली डॉलर्स यहाँ इंडिया में कैसे चलते हैं मुझे पता नहीं, समझ रहे क्या? दिल्ली में तेरे आदमी सुहेल को पकड़ के कान के नीचे बजाऊंगा ना तो सारे अड्डों का पता उगल देगा। सबको लगता है तू ज्यादातर एक्सटॉर्शन का धंधा करता है। इंडिया में डेली सोने चांदी का भाव जो है वो तू गिराता चढ़ाता है, ये कोई नहीं जानता। हर जगह मैच फिक्सिंग करा के तू कितने करोड़ों रुपए कमाता है ये मैं जानता नहीं हूँ, ऐसा समझ रहा है क्या? हाँ, इसके अलावा पायरेसी भी करवाता है तू। अमेरिका में हिंदी फिल्मों की जो प्रिंट जाती है उसके मलेशिया में कॉपी करवाता है ये मैं नहीं जानता क्या? हाँ, साला बशीर को मास्टर कॉपी देकर 30 देशों में DVD बनाकर कम रेट में बेचता है। ए, पाकिस्तान से यहाँ आकर सब हिंदी फिल्में ही देखते हैं, लेकिन आज तक कभी एक शख्स भी पाकिस्तान से आकर हिंदी फिल्म खरीद कर लेकर गया है क्या? नहीं, वहाँ सिर्फ DVDs नहीं, सीधे थिएटर में फिल्में रिलीज करके दिखाई जाती हैं। कराची में तेरा एक थिएटर भी है, दिल खुश महल, और मकबूल उसे संभालता है। अगर अपनी खोपड़ी घूम गई ना तो देसी मारकर वहाँ पहुँच जाऊंगा और सबके वाट लगा दूंगा। तूने मुझ जैसे कितने लोगों को मारा है? 5, 10, 15 मैंने कितने लोगों को टपका है पता है ना? तू कोई भगवान है क्या साले? पुलिस डिपार्टमेंट को क्या समझ कर रखा है? हाँ, हमने अच्छे अच्छे सुरमाओं को मार गिराया है, अदरक की तरह पिस कर चाय में डालकर छान कर पी जाऊंगा तुझे। भड़कता क्यों है भाई? है काहे का भाई, तेरा भाई लगता हूँ क्या मैं? एक बात सुन, हम आपस में समझौता कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तुम लोगों की तरह मैं बातें नहीं करता हूँ, फाइनल सेटलमेंट करता हूँ। या तो तू रहेगा या मैं। तू मुझे वार्निंग देगा, मैं तुझे दूंगा, कोई फायदा नहीं देखते ही सीधा ठोक देने का। गोली तेरे पार होनी चाहिए या मेरे पार होनी चाहिए? आ डेविड, खालिद को खत्म करना मेरा मकसद बन चुका है। अगर कोऑपरेट नहीं करेगा तो जान से जाएगा। डायरेक्ट खालिद जहां है वहां लेके चल। कौन से फ्लोर पर है? 30th फ्लोर, पेंटहाउस। वहां उसके साथ कितने आदमी हैं? बहुत सारे आदमी। वहां आदमियों की संख्या कितनी है पूछ रहा हूं, बताओ। 12 मेंबर्स हैं शायद। चार लोगों को नीचे बुलाओ। हेलो, चार लोग नीचे आओ। ओके, चलो।
सबको ठोक दो। मेरे पास गन नहीं है। तो क्या करेगा मैं नहीं जानता, उन्हें नहीं मारा तो तू मरेगा। क्या डेविड, क्या बुला रहे? अपनी गन दे। क्या? एक मिनट देना। क्या हुआ? गंदे। As per the information flowing in from our resources, is confirmed that the DIG Bharat Nandan has been killed in an encounter. While the police investigations has begun, there was no confirmed clues on his death. He seems to have been shot from a very short distance. ये कौन है? और चार लोगों को बुला। स्पीकर ऑन कर। भाई होटल में पहुंच भी गए तुम लोग? मुझे अभी डीआईजी का मैसेज मिला। मैं भी आ रहा हूं, तब तक उनका ख्याल रखना। आई विल कॉल यू। ओके, कम ऑन बॉयज, मूव। तो कौन से होटल जा रहा है? मैं नहीं जानता। तेरे मरने की खुशी में रात भर से पी रहा हूं, पी हुई सारी उतर गई, इसलिए फिर से पीऊंगा। कल डीआईजी ने मुझे तेरी मौत की खबर सुनाई, सुनकर मैं शॉक्ड हो गया। खालिद भाई को टपकाने के लिए मलेशिया आया है? हट्टी, हट्टी, कमीने। समझ क्या रखा है तूने मुझे? After all, तू है क्या चीज? तू अकेला खालिद भाई का क्या उखाड़ लेगा? तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं अकेला हूं? मेरी पहुंच ऊपर तक है, इसलिए मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। मैं तेरे कब्जे में हूं ऐसा तू सोच रहा है, पर तू मेरे कब्जे में है ऐसा मैं सोच रहा हूं। किसके साथ आया तू? कौन है तेरे साथ? ए, ढूंढो सबको, देखो सब तरफ कहां है। इधर उधर क्या देख रहा है? यहीं पर मेरे तीन लोग हैं, तुम्हारे आदमी तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकते हैं, इसका तुम्हें पूरा यकीन है क्या? कोई 1,00,000 रुपए के लिए नहीं बिकेगा, 10,00,000 के लिए भी नहीं बिकेगा, लेकिन एक और जीरो बढ़ाने पर, एक और जीरो बढ़ाने पर कोई ना कोई तो बढ़ते जीरो के लालच में बिकेगा जरूर। तू मजाक कर रहा है? तेरी तो छोड़ो। ए दमे तो मार, मार मुझे। 10 बुलेट तेरी बॉडी में नहीं उतारी तो मैं विजय नहीं। नो नो इस तरह हंसकर अपने आप को धोखा मत दो। 10 जन को धोखा दोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, खुद को धोखा दोगे तो खुद दुनिया से उड़ जाओगे। जरा सोचो भाई। अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो, मैं यहां टाइम पास करने आया हूं लग रहा है, हैं? मुझे क्या देख रहे हो भाई, क्या देख रहे हो? मुझे शक इस डेविड पर है, आपने सीसीटीवी में देखा नहीं क्या? हमारे आदमियों को इन दोनों ने मिलकर ही मारा है भाई। मैंने कितनी बार बोला इस पर भरोसा मत करो। Hey!
Come to the third building, fast! मुझे पता है तू यहां अकेला ही आया है। शूट मत करना। सुन भाई, शूट मत करना। हम दोनों एक साथ काम करेंगे ना तो पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। लालच देता है मुझे। शूट मत करना बोला था ना। तेरी इंडियन गवर्नमेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो तुझे क्यों खोज लिया मुझे मारने की? खालिद भाई मलेशिया में रहता है, ये सबको मालूम है, लेकिन कभी कोई अरेस्ट करने के लिए आया नहीं और आएगा भी नहीं। यू नो व्हाई? आई एम लिविंग हियर विद अ मैक्सिकन पासपोर्ट। माय नेम इज एंथनी। तू क्या उखाड़ेगा मेरे को? इधर छुप के रहेगा हा? साला डरपोक, यहाँ रह के इंडिया पे राज करेगा तू? उठ साले, फेंक देता हूँ तुझे। नहीं 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 नहीं, मुझे मत फेंकना, मेरे को मत फेंकना। क्या उखाड़ेगा बोल रहा था ना, अब देख लिया, फेंक दो तुझे। नहीं नहीं नहीं, स्टॉप 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 इट। ए रुक, अबे रुक। मैगजीन जेब में लेकर घूमता है साला, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। कहाँ गई वो गन? मेरे को मार के कुछ नहीं मिलेगा तुझे। कहाँ गई साली गन? ए सुन, मुझे मार के क्या मिलेगा तुझे? ए सुन ना भाई, राय साला बहुत फुटेज खा रहा है, तेरी कहानी अभी खत्म कर देता हूँ, रोक। अरे मेरी बात तो सुन भाई, सुन सुन। ए विजय भाई, मेरी बात तो सुन। स्विस बैंक में मेरे अरबों रुपए पड़े हैं, चल ना, सब तेरा ही है वो। ए गोली मत मारना, गोली मत मारना। यू आर द किंग, जियो और जीने दो ना। जान पर आती है तो मैं भी तेरी तरह बकबक करते रहता हूं, लेकिन किसी की सुनता नहीं।